अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉक्स। गुजरात का आगाज कई मील पहले देवना जिलानी से हो जाता है। कभी यहां के खेस बेहद मशहूर हुआ करते थे, जो जोलाहे अपनी खड्डियों पर हाथों से बुना करते। खेस तो खैर अब हमारी जिंदगी से किनारा कर गए, लेकिन यहाँ की तुरपालें, शामियाने और कनातें अब भी अपनी मिसाल आप हैं। हम इस वक्त रावलपिंडी से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस के इंजन में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उस गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके चंद इस्तारे हर एहसास को अपने गिरफ्त में लेने पर कादिर हैं। मज़ारों, अकीदतों और ना आसूदा ख्वाहिशों की बुनियाद पर उठे इस शहर में लोग नहीं, कहानियाँ बसती हैं। यहाँ दास्तानें सांस लेती हैं और तारीख की डोर अपनी चरखी पर खुद ही लिपटती चली जाती है। मुसाफिर को यहाँ दो ही चीज़ें मिलती हैं, मज़ार और मोहब्बत। शहर की तारीख मामूल के मुताबिक बेहद तवील और अपने अंदर कई राज समोए हुए हैं। कई कौमें यहाँ आबाद और बर्बाद होती हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर सिख और अंग्रेज़ सब यहाँ आए और अपनी अपनी निशानियाँ छोड़कर चले गए, जो अब भी किसी न किसी सूरत में यहाँ मौजूद हैं। बरतानवी तारीखदान जनरल कनिंगम के मुताबिक गुजरात शहर 460 कबल मसीह में गुज्जर राजा बचन पाल ने आबाद की, लेकिन किसी किसी जगह अली खान का नाम भी शहर बसाने वालों की फहरिस्त में आता है। तारीख बताती है कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट की फौज को भारतीय राजा पोरस से दरिया जेहलम के किनारे ज़बरदस्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। ये राजा पोरस गुज्जर गोत पोड़ या पवाड़ से था। आज भी गुजरात में पोड़ या पवाड़ गुज्जर कसीर तादाद में मौजूद, हो सकता है ये उसी राजा की औलाद है। लेकिन कुछ कहते हैं कि पोरस खोखर था, चुनाचे इस रिवायत को भी मान लिया जाए तो गुजरात गुज्जरों, सूर्यवंशी राजपूतों और खोखरों का मिला जुला मुरब्बा बन जाता है। यह अजीबोगरीब शहर कहीं 2500 साल पुरानी उदय नगरी है तो कहीं अकबर आजम का इंतसार। उसी ने 1580 ईस्वी में गुजरात किला तामीर किया और 1596-97 में मुकामी गुजरों को शहर में आबाद होने पर मजबूर किया। तब इसके 5 दरवाजे थे, जिनमें से अब सिर्फ शाहे दौला गेट ही बचा है। चुगदाई तुरक जहां भी गए अपना हरम, जुबान और हमाम साथ लेकर गए, लिहाजा यहां भी अकबर का बनाया हुआ एक हमाम। किसी दौर में यह खुशवक्ती का जरिया होता था, लेकिन अब ये ऐसे अताइयों की याद दिलाता है जो उन बीमारियों से भी शिफा दिलवाते हैं जिनकी शिफा अभी उतरी नहीं। मुकामी रवायात में बताया गया है कि गुजरात उसी जगह तामीर होने वाला दूसरा कस्बा था जहां पहला शहर 1303 ईस्वी में मंगोल हमलों ने तबाह किया था। फिर वक्त की इस राहदारी में लोदियों का बहलोलपुर आया और सूरियों का खासपुर, क्योंकि शेरशाह सूरी की जानिब से मुकर्रर करदा रोहतास के गवर्नर ख्वास खान के एजाज में शहर का नाम बदलकर ख्वासपुर ही रखा गया था। पिछले 3 सदियां दुर्रानियों की बर्बादी, सिखों की आबादी और अंग्रेजों की कामयाबी का शाहनामा है, जिसके बाद तारीख खामोश हो जाती है। लेकिन शाहे दौला के मजार से राम प्यारी के महल तक और जहांगीर के मथफन से सोहनी के चाक तक गुजरात इश्क की एक तवील नज्म है। शहर से बाहर बादशाह का मथफन, दरवेश का मजार और सिपाहियों की कब्रें, यहाँ वीरानी बाल खोले सो रही है। मुगलिया दौर में मुगल बादशाहों के कश्मीर आने और जाने का रास्ता गुजरात ही था। कहते हैं खुसरुए गीती बना नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जब दुनिया से रुखसत हुआ तो अकलमंद मलिका नूर जहां ने बादशाह की मौत की खबर छुपाने के लिए उसकी आंतें निकालकर यहां दफन कर दी और इस खबर को मुनासिब मौके तक छुपाए रखा। यह कहीं सुनी तारीख है, क्योंकि लिखी पढ़ी तारीख इन आंतों का मदफन कहीं और बताती है। लेकिन यहाँ हर साल शाह जहांगीर के नाम से एक मेला बहरहाल लगता है। पंजाब पर कब्जे के लिए अंग्रेजों और सिखों के दरमियान दो बड़ी लड़ाइयां गुजरात के आसपास लड़ी गईं। चेलियांवाला के बाद सिखों का 73 लश्कर गुजरात पहुंचा और 22 फरवरी 1849 को अंग्रेजों से फैसला कुछ शिकस्त के बाद पंजाब से दस्तबरदार हो गया। यहाँ का गोरा कब्रिस्तान इन्हीं अंग्रेज सिपाहियों का है। आज़ादी से पहले यहाँ बिगल भी बजता था और झंडा भी चढ़ता था, लेकिन सरकार बरतानिया का सूरज क्या डूबा कि इन कब्रों के सलीबों में गड़े फरिश्ते भी उड़ गए और इबारतों में लिखी बरकतें भी।
अंग्रेजों ने 1867 में गुजरात को म्यूनिसिपैलिटी बनाया, जबकि शहर के महकमाना निज़ाम की बुनियाद भी 1900 ईस्वी में बरतानवी साम्राज्य ने ही डाली। ये काम मोहल्ला दसौंदीपुरा के रिहायशी और इलाके के चौधरी दसौंदी खान की मदद से अंजाम पाया। कयाम पाकिस्तान के वक्त गुजरात की आबादी 40,000 से भी कम थी, लेकिन इस वक्त गुजरात 4.25 लाख आबादी के साथ पाकिस्तान का 20वां बड़ा शहर है। गुजरात बिजली के पंखों, फर्नीचर साजी, बर्तन साजी और जूतों की सनत में अहम नाम है, इसलिए ये सियालकोट और गुजरावाला के साथ बरामदी मीशत वाले सनती शहरों के सुनहरी मुसलस का हिस्सा भी है। शहर का मौजूदा सर्कुलर रोड कभी सोनी का बाजार कहलाता था, लेकिन बाद में यह राम प्यारी रोड बन गया। राम प्यारी का महल इसी सड़क पर था। राम प्यारी की सुंदरता ने सुंदरदास सुबल को राम की तरह मजबूर कर दिया और उन्हें ब्याह करते ही बनी। ये इमारत उसके हुस्न की तौसीफ का एक हदिया है, जिसे सुंदरदास ने अकीदत से तामीर कराया। मशहूर और मालदार ताजर राजा सुंदरदास गुजरात के कस्बे डिंगा का रहने वाला था, जबकि राम प्यारी उसकी तीसरी बीवी थी। राजा सुंदरदास 1880 में पैदा हुए और 1920 में वफात पा गए, यानी उनका कुल अरसा हयात 40 साल पर मुहित रहा। उन्होंने जब राम प्यारी से शादी की तो उसकी उम्र 12 साल थी, जबकि राजा सुंदरदास 36 वर्ष के थे। उनके आबाई कस्बे डिंगा में आज भी सुंदर महल और मोहल्ला सुंदरदास मौजूद हैं। उन्होंने गुजरात से डिंगा आने वाली सड़क का नाम भी राम प्यारी रोड रखा, लेकिन मोहब्बत के दुश्मन अब उसे डिंगा गुजरात रोड कहते हैं। यूनानी और रोमन तर्ज तामीर पर किया जाने वाला राम प्यारी महल 1917 में मुकम्मल हुआ। 10 किनाल के रकबे पर फैली इस 2 मंजिला इमारत में छोटे बड़े 42 कमरे और 4 तहखाने हैं। फर्श पर हिंदुस्तानी जबकि दीवारों पर फ्रांसीसी टाइलें लगाई गई। खिड़कियों के मुरस्सा शीशों से छत के मुंतकश फानुक्सों तक सब कुछ बाहर से आया। महल के दरवाजे, छतें, सतून और मेहराबे उतने ही पुरकशिश हैं जितना लाहौर और दिल्ली का मुगल आर्ट। सुंदरदास तो अपनी शादी के 4 साल बाद ही वफात पा गए, ताहम राम प्यारी तकसीम हिंद तक महल में मुकीम रही। बाद अज़ां वो हिंदुस्तान हिजरत कर गई। कहते हैं कि 1976 में अपने इंतकाल से पहले राम प्यारी एक बार अपने महल को देखने के लिए भी आई थी। राम प्यारी से बहुत पहले ये सिर्फ सोहनी का देश था। सोहनी के बाप का नाम क्या था और इज्जत बेग कौन था, कौन तिजारत करने बुखारा से आया और कौन भैंसे चराने पर महिवाल मशहूर हो गया, दरख्त की ओट में घड़ा किसने बदला और रान के कबाब किसने खिलाए, ये मासूम मोहब्बत की मजबूर कहानियां हैं। ये अलबत्ता सच है कि गुजरात से शहदादपुर तक चनाब और दरिया सिंध के पानियों पर ये दास्तान तहरीर है। इस जिला के 3 फौजी जवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर हासिल कर चुके हैं, जिनमें मेजर राजा अजीज भट्टी, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद और मेजर मोहम्मद अकरम शहीद शामिल हैं। 2 कौमी नजरिए के खालिक और बर्रे सगीर के अजीम फलसफी और रहबर सर सैयद अहमद खान ने गुजरात को अपनी मर्दम खेजी की वजह से खित्ताए यूनान कहा है। इस सरजमीन में सिर्फ सोनी का हुस्न ही नहीं, सभिया खानम की आंखें और तस्वर खानम की आवाज भी है। यहाँ कैफी और इनायत हुसैन भट्टी जैसे हमजहत फनकार और शौकत अली जैसे गुलुकार भी हैं। गुजरात की साहतों और समातों ने ही अब्दुल्ला हुसैन के नावलों और रफी पीर के ड्रामों की बुनियाद रखी। गुजरात के सपूतों की एक तवील फहरिस्त है, जिसमें पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह जनरल राहील शरीफ के अलावा साबिक सदर फजल इलाही चौधरी, चौधरी जहूर इलाही, साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, सर्विस शूज के बानी साबिक वजीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार, मसूद मुफ्ती, बैरिस्टर एतजाज एहसन, गुलूकारा रोशन आरब बेगम, लोक गुलूकार आलम लोहार, आरिफ लोहार, अदाकारा निशो, मुमताज चकोरी, इरम हसन, शगुफ्ता एजाज, जनरल रानी और उस्ताद इमाम दीन गुजराती जैसे नाम शामिल हैं। माहिये को पंजाबी लोकगीतों का हिस्सा करार दिया जाता है। ये माहिये सुने तो सब ने होंगे, लेकिन शायद ही कोई ये जानता हो कि इन माहियों ने गुजरात में जन्म लिया था। ये 1930 की दिहाई की बात है, जब गुजरात की रुमान परवर सरजमीन पर एक नई दास्तान इश्क ने जन्म लिया। ये स्टेज आर्टिस्ट इकबाल बानो उर्फ बालो और मोहम्मद अली की दास्तान थी। इकबाल बेगम मुतअद्दिद स्टेज ड्रामों के अलावा ससी पुनू नामी मशहूर फिल्म में काम कर चुकी थी कि मोहम्मद अली कोचवान उनकी जिंदगी में दाखिल हुआ।
وہ چرب زبان تھا، چنانچہ اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اقبال بیگم کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیا۔ لیکن جب اقبال بیگم کے والد کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے دونوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی۔ ملاقاتوں پر پابندی لگی تو محمد علی نے ہار دل سنانے کا ایک نیا طریقہ نکال لیا۔ انہوں نے اقبال بیگم کے ہجر میں ماہیے کہنا شروع کر دی۔ جب وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر یہ ماہیے سناتے تو سننے والے بہت متاثر ہوتے۔ اسی وجہ سے محمد علی کا نام ہی محمد علی ماہیہ پڑ گیا۔ عشق جب حد سے گزر گیا تو اقبال بیگم کے والدین نے تنگ آ کر محمد علی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ پاکستان کی مشہور و معروف اداکارہ صبیحہ خانم اسی شادی کی یادگار ہیں۔ پاکستان میں ہر کوئی شاہ دولہ اور اس کے چوہوں کی بابت جانتا ہے، لیکن یہ بات بھی بہت ہی کم لوگوں کے علم میں ہے کہ شاہ دولہ روحانی سلسلے سہروردیہ اور چشتیہ کے مشہور بزرگ ہیں، اور یہ چوہے گجرات میں انہی کے مزار سے آتے ہیں۔ سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی گنج بخش 1544 سے 1676 عیسوی تک حیات تھے۔ آپ کی سخاوت دریا کی طرح، جس کی وجہ سے آپ کو شاہ دولہ دریائی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی سرکار بادشاہوں کی سرکار تھی، اہل حاجت کا تانتا بدا رہتا، رفائے عامہ کے بھی بہت کام کرتے، بہت سے پل، تالاب، کنویں، مسجدیں اور سرائے بنوائیں، جبکہ ان کا لنگر ہر وقت جاری رہتا۔ چھوٹے سر والے بچے آتے تو ان کی بہت خدمت کرتے۔ انہی بچوں کو لوگ شاہ دولہ کے چوہے کہتے ہیں۔ چھوٹے سر والے یہ بچے دنیا کے بے شمار پر اسرار رازوں میں سے ایک۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی علاقے کی مہارانی شاہ دولہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، میرے پاس اللہ کی ہر نعمت، دولت، حکومت اور شہرت ہے، لیکن خدا نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، دعا کی طالب ہوں، اللہ مجھ پر رحم فرمائے اور میری حاجت روائی کرے۔ شاہ دولہ نے کہا، خاتون، تمہاری دعا تو قبول ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط تمہیں قبول کرنا ہوگی۔ عورت نے دریافت کیا، کیا شرط؟ شاہ دولہ نے کہا، تمہیں اپنی پہلی اولاد ہمارے لیے وقف کرنا ہوگا۔ مہارانی نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا، لیکن اس کا سر عام بچوں سے قدرے چھوٹا تھا۔ مہارانی کے دل میں خیال آیا کہ ایک اولاد پیدا ہوئی ہے، آئندہ کیا پتا اولاد ہو نہ ہو، میں کیسے اسے درگاہ پر چھوڑا ہوں۔ بالآخر کئی روز سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بچے کی ولادت راز رکھے۔ مہارانی نے ایسا ہی کیا، لیکن ایک رات اس کے خواب میں شاہ دولہ دریائی آئے اور کہا، خاتون، تم نے وعدہ خلافی کی۔ مہارانی نے جواب دیا، اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا ہے، میں اسے خود سے کیسے جدا کروں؟ شاہ دولہ نے کہا، بچہ چھوٹے سر کا ہے، کیونکہ اس کے سر سے عقل سلب کر لی گئی ہے۔ مہارانی خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی اور صبح ہوتے ہی بچے کو مختلف حکیموں کے پاس لے گئی، لیکن سب نے ایک ہی جواب دیا کہ بچہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب وہ ہر جانب سے مایوس ہو گئی تو ایک بار پھر شاہ دولہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، حضرت، میں اپنا بیٹا آپ کی درگاہ پر چھوڑ رہی ہوں۔ یہ سن کر شاہ دولہ دریائی نے کہا، تمہیں شیطان نے غافل کر دیا تھا، مگر خدا نے کرم کیا اور تم بچہ لے کر یہاں آ گئی ہو، اب بچہ چھوڑو اور چلی جاؤ۔ کہتے ہیں اس کے بعد مہارانی کے ہاں تین بچے پیدا ہوئے جو جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل تندرست تھے۔ اس کے بعد آج تک یہ معمول بن گیا ہے کہ بے اولاد لوگ منت کے لیے یہاں آتے ہیں اور منت پوری ہونے پر اپنی پہلی اولاد مزار پر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بچے شاہ دولہ کے چوہے کہلاتے ہیں۔ شاہ دولہ کے چوہوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ انہیں اپنے آخری وقت کا پتہ چل جاتا ہے، چنانچہ انہیں کسی کمرے میں بند کر کے باہر تالا لگا دیا جاتا ہے۔ چند دن بعد جب تالا کھولا جاتا ہے تو کمرہ خالی ہوتا ہے۔ کمرے میں بند کیے جانے والا شاہ دولہ کا چوہا نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے چند لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کا جنازہ نہیں ہوتا، لیکن علماء دین اس کی نفی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی کہیں غائب نہیں ہوتا، اس دنیا میں آنے والا اگر مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ لازمی پڑھی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ چھوٹے سر والے یہ بچے شاہ دولہ کے مزار کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہیں، کیونکہ مزار پر لاتے ہی ان کے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے تاکہ دماغ کی نشو و نما روکی جا سکے۔ اس طرح یہ بچے نارمل زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتے اور ساری زندگی مزار کے لیے بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ آج بھی 10,000 کے لگ بھگ چھوٹے سر والے بچے مزار پر موجود ہیں، جبکہ سینکڑوں ہٹے کٹے صحت مند اور نوجوان ان کی کمائی پر موج میلا کرتے ہیں۔ صدیوں سے یہ بھی مشہور ہے کہ مزار پر جلنے والے چراغوں میں رکھا تیل اگر معذور بچوں کو لگایا جائے تو ان کی معذوری ختم ہو جاتی ہے۔
शाहिदौला की जिंदगी में सिखों के 10वें गुरु हरगोबिंद सिंह जी 1620 में कश्मीर से वापसी पर गुजरात रुके तो लोगों ने उन्हें मजाक और तजहीक का निशाना बनाया, जिस पर वो बेहद नाराज हुए। लेकिन इससे पहले कि गुजरात शहर उनके गैज़ो गज़ब का निशाना बनता, शाहिदौला ने उनसे मुलाकात की और उन्हें गुजरात के शहरियों की तरफ से 100 तोले सोना पेश किया, जो एक तारीखी वाकया है। कामावाली सरकार भी गुजरात का ही असासा है। साईं करम इलाही नामी ये मर्द दरवेश 3 अप्रैल 1838 को मोहल्ला कान्यावाली में एक आराई गुलाम मोहम्मद के घर पैदा हुए। साईं करम इलाही ने तमाम उम्र शादी की, न किसी को मुरीद किया। अलबत्ता रूहानियत की खिदमत के अलावा दरियाए जहलम के पुल की तामीर में टोकरी ढोने और चौकीदारी का काम जरूर किया। कुछ अरसे बाद उन्होंने मलामती रंग इख्तियार किया और शहर से बाहर डेरा जमा लिया। मरते दम तक आपका मशगला हाथों में पकड़े सरकंडे के मुठ्ठों यानी कानों को दिन भर गिनते रहना और चरखा चलाते रहना था। तमाम उम्र वहीं गुजारी जहां आपका मजार है। 20 जुलाई 1930 व मुताबिक 22 सफर 1349 हिजरी वफात पाई। नमाज जनाजा पीर विलायत शाह ने पढ़ाई। जिंदगी में अपना सारा खाना कपों को खिला दी जो आपसे इस कदर मानूस थे कि आपके कंधों पर आ बैठे। यही आपकी वजह तस्मिया और शोहरत बनती और लोग आपको कामावाली सरकार कहने लगे। इनके मजार पर आज भी इंसानों से ज्यादा कब्बे मौजूद होते हैं। कच्ची पक्की ईंटों पर भरी आंखों और खाली दामन वाले पुर उम्मीद जरूरतमंद जौक दर जौक आते हैं। ये गर्जमंद कहीं जंगले से जुड़कर या कहीं चौखट से लगकर आस के दिए जलाते हैं, एहतराम के फूल चढ़ाते हैं और नजर न्याज देकर रुखसत हो जाते हैं। गुजरात अब हर सू फैलता जा रहा है। ता हद नजर लहराते हरियाले खेत अब सुकड़ते जा रहे हैं। सब कुछ बदल चुका है। काफिलों को रोक कर उनकी खिदमत करने वाले अब खुद सफर की जद में हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो शहर वालों की अकीदत का सिलसिला। शहर की फिजा मज़ारों आस्तानों दुआओं और मन्नतों से हर वक्त मखमूर रहती है। हर सड़क पर कहीं ना कहीं मज़ार है और हर घर में कोई ना कोई अकीदतमंद। शाम शहर में आने से पहले इन दरगाहों पर उतरती है। शाहिदौला दरियाई की चौकियाँ भरी जाती हैं। हाफिज हयात के मरकज पर पानी का छिड़काव होता है और कामवाली सरकार में अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। शहर को देखें तो महसूस होता है किसी की दुआ रद्द नहीं होती। मज़ारों को देखें तो लगता है किसी की दुआ कबूल नहीं होती। माजी है कि लौटता नहीं और वक्त है कि रुकता नहीं, लेकिन ट्रेनें जन से गुजरात के पहलू में वाक़ अलेक्जेंड्रा ब्रिज की जानब भागती जाती हैं, जैसे दरिया चनाब के उस पार महीवाल अपनी सोनी का नहीं बल्कि उनका इंतजार कर रहा हो। अब इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।